तो भाई कुछ हमारे फ्रेंड लोग मिले हैं, गुजराती भाई लोग, और हमारे चैनल सब्सक्राइब भी किए हैं, तो भाई लोग कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के लिए? हाँ भाई, ना वीडियो बहुत सारा हो है अने आनो यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, लाइक। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल दोस्तों, आई होप बढ़िया होंगे आप सभी लोग। और फिलहाल गाइस अभी समय हो रहा है 12:25, तो आज हम चलते हैं दोस्तों एक टेम्पल मतलब विजिट करने वाले हैं, और 400 साल पुरानी वो टेम्पल है, तो आज चलते हैं, मतलब भरूच की सबसे मतलब पुरानी मंदिर वही है, तो लेट्स सी गाइस चलते हैं। तो पहले सिस्टर को मतलब थोड़ा फ्री से पानी दे देते हैं और उसके बाद चलते हैं। ये जो भरूच है ये गुजरात में मतलब एक प्रसिद्ध नगर है, और जो कि नर्मदा नदी पे स्थापित है ये मतलब भरूच, और भरूच में मतलब कई ऐसे धार्मिक स्थान जो हम ट्रेवल कर सकते हैं जहाँ पे, तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है भरूच में आके। बट अभी तो आया हूँ, तो मतलब 10-15 दिन नहीं, 4-5 दिन हुए होंगे दोस्तों, तो लेट्स सी अब कुछ ही दिनों में अच्छी अच्छी जगह इंट्रोविस्टोची वगैरह सब घूमना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और अभी मतलब मौसम आज ठीक ठाक है, मतलब उतना धूप नहीं है कड़क वाला। सो दोस्तों सामने आप देख सकते हो कि हमारे भरूच स्टेशन इन 400 मीटर्स टर्न लेफ्ट ऑन टू हाजखाना बाजार भृगु ऋषि के मंदिर पे, क्योंकि रूम से बस 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था, तो थोड़ा पैदल भी चलना अच्छा लगता है दोस्तों, और कुछ इस तरह से दिखता है। और दोस्तों ये रहा स्टेशन जो कि आप देख सकते हो कि तिरंगा कितना प्यारा लग रहा है, और ये है मेन सिटी, तो मतलब स्टेशन के बाजू में जस्ट आप सोच सकते हो कि कितना भीड़ रहता है, तो बहुत ज़्यादा शोर शराब होता है दोस्तों। और वहाँ से हमको राइट लेना है, टर्न राइट आफ्टर होटल। दोस्तों अभी स्टेशन से निकलने के बाद हाजी खाना ये मतलब बाजार है, इसको क्रॉस करने के बाद 700 मीटर की दूरी पे मतलब वो भृगु ऋषि का टेम्पल है, तो लेट्स सी गाइस पहुँचने वाले, बस थोड़ा देर और वेट करो आप सभी लोग। मैं मतलब भरूच की गलियाँ और मतलब बाजारों में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, और ये है कन्हैया लाल मार्ग, और यहाँ से बस कुछ ही दूरी पे है, तो गाइस पहुँचने वाले हैं। और यार लाइफ में देखो कब कहाँ जिंदगी लाके किसी को पटक दे कोई पता नहीं रहता, तो इसके लिए दोस्तों कभी अपने लाइफ में मतलब क्या बोलते हैं घमंड नहीं करने का, ठीक है, हैप्पी रहने का, और सबके साथ भाई अच्छे से करने का, और दयावान होने का, एकदम दयालु। कितना चढ़ाना है आप देख सकते हो, काफ़ी मतलब चढ़ के ऊपर जाना पड़ रहा है, और ये मतलब कितना पुराना सब घर है खंडहर के टाइप का, बट अभी भी लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसे हम देखते देखते आ रहे हैं भाई, और अचानक भाई अपने को लगा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बट एक भाई से पूछे तो उसने बताया कि नीचे जाना पड़ेगा आपको, और एक मतलब गेट से अकाला, तो लेट्स सी गाइस चलते हैं। और भाई देख सकते हो कि कितना नीचे आना पड़ रहा है, और ये मेरा भाई, कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा मंदिर का जो कि आप देख सकते हो दोस्तों। और ये सामने आप देख सकते हो कि शनि देवता का मंदिर है, और शनि भगवान को तो आप सभी लोग जानते हो कि उनकी कृपा जिन पे हो तो बन जाता, अगर ना हो तो भाई सीधे बर्बादी हो जाती है वो लोग, तो मैं शनि देवता को नमस्कार करता हूँ। तो कुछ ऐसा है मंदिर शनि देवता का आप देख सकते हो, और गुजरात में पीछे लिखा हुआ है शनि चुड़ाए नमः, और इधर का भी कुछ ऐसा दिखता है। और तो फाइनली गाइस आप सभी को लेके चलते हैं भृगु ऋषि के पास, और भृगु ऋषि के बारे में बता दूं कि वो ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं, और आ गए हम मंदिर के पास, तो दिखाता हूँ दोस्तों। और ये रहे हमारे महर्षि भृगु ऋषि, वहाँ पे उनका खड़ा हुआ आप देख सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो सिद्धि विनायक गणेश जी, और यहाँ पे रेणुका माता, और यहाँ पे देवश्री जम दग्नि हैं, मतलब गुजराती में लिखा तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रहा हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि महर्षि परशुराम जी को आप देख सकते हो, और महर्षि परशुराम के पिता देवश्री जमदग्नि थे, और इनके चार पुत्र थे, तो उनकी माता जो थी रेणुका माता, तो उनको भाई पानी लाने में मतलब वो नदी के किनारे पानी लाने के लिए चली गई थी, तो परशुराम के पिता मतलब क्रोधित हो गए, तो जब वो आई तो मतलब अपने चारों पुत्रों को आदेश दिए कि आप कोई भी जो इनका सर काटेगा वो ही मेरा पुत्र होगा, तो तीन पुत्र तो उनके इनकार हो गए, बट गाइस महर्षि परशुराम जी वो अपने पिता का आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का वो मतलब सिर धड़ से अलग कर, परशुराम जी जब अपने माता का मतलब सिर धड़ से अलग कर दिया, तो कुछ टाइम बाद उन सभी भाइयों को मतलब उनके पिताश्री को भी मतलब पश्चाताप हुआ, तो
वो बोले अपने पिताश्री से कि माता को फिर से जिंदा करिए, मतलब तो वो मतलब ऐसी कहानी हम सुनने के लिए पाते हैं। तो फिर उनकी माता को फिर से जिंदा करने में शर्त ये था कि उनकी माता को मतलब जब ज़मीन से वो मतलब निकलती बाहर, तो ये था कि उनके पिताश्री उनको देखे ना, और तभी वो पूरा मतलब बाहर निकल पाती हो जिंदा। तो सबने बोला ठीक है चलो, और उसके बाद में जब वो ज़मीन से निकलने लगी बाहर, तो उनके पिता जब जगने थे वो उनका आँख खुल गया, तो वो उनका सर ही बाहर निकला था दोस्तों, इतना सिर्फ सर ही बाहर निकला था। तो इसकी वजह से उनका सर मतलब आधा ही मतलब है, देखते हो कि उनका सर आधा ही मतलब निकला था। तो कुछ ऐसा कहानी है। और सामने हमारे श्री गणेश जी के मतलब सबसे प्रिय जी। तो दोस्तों मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं, ऊपर लिखा हुआ है श्री ज्वालेश्वर महादेव शुभ लाभ, और अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लिंग है मतलब, और यहाँ पे नंदी है, कुछ ऐसा है। और यहाँ पे मतलब सभी लिंग को दिखाया गया है, छोटा बड़ा जैसा है। और ये मंदिर 400 साल पुरानी है। और ऊपर आप देख सकते हो कि कितनी पुरानी मंदिर है, पर अभी भी मंदिर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है दोस्तों। और अभी चलते हैं अंदर भृग ऋषि के मतलब अंदर, मतलब ऊपर लिखा हुआ है श्री भृग ऋषि। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये मतलब अखंड ज्योति जो कि हमेशा जलती रहती है, कभी आज तक बुझी नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सोमनाथ और सब मतलब जितने भी प्रभु लोग का मतलब लिंग है दर्शाया गया है। मुझे अपने मतलब इधर बैठना उत्तम है, और उधर लघु ऋषि महर्षि का मतलब ये लिंग है आप देख सकते हो। मुझे उतना गुजराती नहीं आता है तो मैं प्रॉपर अच्छे से बताता। और यहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति आप देख सकते हो, ये ब्रह्मा जी की मूर्ति आप देख सकते हो। और ऊपर कुछ गुम्बद की तरह है, आप देख सकते हो कि कितना पुराना है। और विष्णु लक्ष्मण हंस, अब आप देख सकते हो अवतार। आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि और यहाँ पे भगवान है, और सब मतलब मूर्ति कितनी अच्छे से लगी हुई है। और यहाँ पे उनका जो मतलब प्रस्थान रहता था भृग ऋषि का, आप देख सकते हो दोस्तों। तो हे प्रभु आप इस सृष्टि को अच्छे से बनाए रखना। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो चारों वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, और ऋग्वेद सबसे बड़ा जो कि आप देख सकते हो, अथर्ववेद सबसे छोटा है जो कि आप इसमें देख सकते हो। और चारों वेदों को यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि भगवान विष्णु जी अवतार लिए थे इनका, ये नारायण भगवान। अकेला था, मंदिर के अंदर कोई नहीं था, तो मतलब थोड़ा डर भी लग रहा था यार, क्योंकि प्राचीन मतलब मंदिर है, तो मतलब अंदर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मंदिर में एंट्री करते भाई मतलब मन को अलग सा ही शांति मिलता है अंदर आने के बाद। कोई भी मंदिर हमारे हिंदू धर्म में होता है, अगर आप एंट्री मारते हो तो आपको एक अलग सी मतलब आपके दिल में जो भक्ति रहता है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है, वो आपको पता ही नहीं चलता। और दुनियादारी यार मैं भूल जाता हूँ, सिर्फ भक्ति में लीन हो जाता हूँ जब तक मंदिर। और दोस्तों आप नर्मदा नदी है वहाँ पे आप देख सकते हो, बट ये ग्रिल लगा हुआ है और पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो उतने अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। तो कुछ यहाँ से ऐसा है भृग ऋषि का मंदिर। और दोस्तों सच में यार मंदिर के अंदर भाई काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि मंदिर में कोई नहीं था और मैं अकेला था जो कि भृग ऋषि का दर्शन किया, और मतलब चारों वेदों का और जो लिंग था मतलब उनका दर्शन किया। और हमारे हिंदू धर्म में जितने साला भी तो डॉगी ले गया था गाइस अपने को, माँ कसम
दोस्तों आप देख सकते हो कि मतलब गणपति बप्पा मतलब बैठाए हुए हैं, और गुजरात में यार काफी मतलब बहुत बहुत ज्यादा मतलब मूर्तियां बैठी रहती हैं। तो फिलहाल भाई अभी मतलब टेंपल से ब्लॉग कंप्लीट किया तो भाई काफी ज्यादा थक गया था, तो इधर चेहरा रजिला और ये भरूच नगर पालिका दादा भाई पार्क है, क्योंकि इसमें फ्री में आप घूम सकते हो और सब लोग यहाँ पे आते हैं मतलब घूमने के लिए, जो कि आप देख सकते हो काफी अच्छा पार्क है यार। और स्टेशन के बाजू में जस्ट, और इधर बाजू में स्टेशन है और उसके जस्ट बगल ये पार्क है, तो काफी अच्छा है। और सबसे प्लस पॉइंट ये कि भाई इसमें पैसा वैसे नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें घूम सकते हो और टाइम पास कर सकते हो। सो भाई कुछ हमारे फ्रेंड लोग मिले हैं, गुजराती भाई लोग, और हमारे चैनल सब्सक्राइब भी किए हैं, तो भाई लोग कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के लिए? हाँ भाई ना वीडियो बहुत हारा हुई है अने अनु यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। तो भाई ने बोला कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, तो भाई काफ़ी अच्छा लगा मिलकर भाई लोग से, तो हाय बोल दो भाई एक बार। हाय, अच्छा लगा भाई मिलकर, भाई लोग भी आएंगे। तो यार मतलब दोस्ती यारी मिल के रहे, यही मतलब हम लोग इंसानियत जो रहता है भाई, वो इंसान को कभी घमंड वगैरह नहीं करना चाहिए, जो भी उसे मिलके भाई अच्छे से प्रेम भाव से रहना चाहिए, है ना भाई? सही बात है। तो कैसे भी चलता हूँ यार। तो भाई यार गुजराती हूँ भाई से मिलकर काफी अच्छा लगा, और वैसे उनकी पुलिस में ज्वाइनिंग होने वाली है, उनका एग्जाम और फिजिकल सब कुछ हो गया है, बॉडी देख के बता दिया वो कि अब मतलब आर्मी से या फिर पुलिस से हो। और हमको लाना था दूध, और सर काफ़ी गर्म है। और भाई कहा जाता है कि भृगु ऋषि जो है वो विष्णु जी को मतलब उनके छाती पे मतलब लात भी मारे थे, तो वही थे भृगु ऋषि जिनको मैंने दिखाया अपने ब्लॉग में यार। तो दोस्तों अगर मेरा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, अगर नए हो हमारे चैनल पर आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो उसी के साथ बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल पीपल, बाय।